ये कहानी है मनदीप की। एक थी होनहार लड़की मनदीप, जो अपनी जिंदगी में जलाना चाहती थी खुशियों के दीप। दिन रात करती थी वो खूब मेहनत, उसके अंदर थी कुछ कर दिखाने की हिम्मत। इस्तेमाल करती थी वो जोमैटो और स्विगी, कपड़े पहनती थी सिर्फ लीवाई, जारा और नाइकी। करती थी वो ग्लो, स्माइल थी उसकी लवली, दोस्त कहते थे उसे प्यार से चुलबुली। था उसको अपने स्मार्टनेस पे गुरूर, दिमाग पे छाया था आईफोन का सुरूर। मोबाइल को अपने उंगलियों पे नचाती थी, सब्जी फल और राशन एक ही क्लिक से मंगाती थी। अगर कोई पूछे कहां से आते हैं ये मूली मटर टमाटर और गाजर, तो वो कहती आम खाओ पेड़ मत गिनो, जस्ट प्लेस एन ऑनलाइन ऑर्डर। बीमार पड़ने पे खाती थी वो एंटीबायोटिक्स, विटामिन्स और प्रोटीन, और रात में डांस फ्लोर पे कहती थी जस्ट कीप रॉकिंग। पर्यावरण बचाओ, जल बचाओ, इसमें नहीं लगती थी उसे कोई हकीकत। पैरों तले रुनती मिट्टी की तो वो जानती ही नहीं थी कोई कीमत। एक दिन एक योगी से मिली मनदीप और आशीर्वाद मांग के पूछा कैसा है मेरा नसीब। योगी ने रख दिया मनदीप के सर पे हाथ, भविष्य की परछाई दिखने लगी साफ। पृथ्वी की हालत हो गई थी जर्जर, पशु पक्षी और इंसान भटक रहे थे दर दर। नहीं बचे थे मिट्टी में जीव जंतु और कीटकों के जाल, वही तो थे धरती के असली लाल। उनके बिना मर गई थी मधुमक्खियां और तितली, ये देखकर धरती बोली आता माजी सटकली। उपजाऊ मिट्टी बन गई थी रेती, किसानों ने सारी बंद कर दी थी खेती। न्यूज वाले कहते आजकल किसान मिट्टी में कुछ भी तो नहीं बोते, मूली मटर टमाटर और गाजर वहीं से ही तो आते। मिट्टी के जैविक पदार्थ का हुआ है पूरा घाटा, आप जैसे पढ़े लिखों को क्या इतना भी नहीं आता। भूखी प्यासी मनदीप होटल्स रेस्टोरेंट्स को करे कॉल्स, पर बंद पड़े थे सारे ऐप्स, लुट गए थे मॉल्स, रास्तों पे लूटे जा रहे थे पानी और बर्गर, सभ्यताएं सारी हो गई थी बर्बर। लोगों की हालत हो गई थी खस्ता, बाजार में कुछ भी नहीं मिल रहा था सस्ता। मनदीप घर में सिर्फ प्रोटीन और विटामिन्स के टैबलेट्स खाए, गरम रोटी और सब्जी के दर्शन तो महीनों नहीं हो पाए। भूखमरी ने मचाया था सारे जग में हाहाकार, पहचान भी ना दिखाए कोई दोस्त या रिश्तेदार। अमेरिका ब्रिटेन रूस हो या चाइना, सरकारें ले रही थी बस परिस्थितियों का मुआयना। मनदीप के घर पे हुई थी राशन की चोरी, किसी ने उसके बच्चों पे रख दी थी छुरी, पड़ोसियों के बच्चों ने माँ बाप को निकाला था बाहर, कहा भीख मांग के खा ले या पी ले जहर। ये देख मनदीप की आंखें हुई नम, बोली नष्ट होती मिट्टी के साथ नष्ट हो रहे हैं हम। मिट्टी अब धूल धूल है, मशगूल बेखबर है सारा जहां, देखो क्या हो गई जमी, अब रेत खेत की तकदीर बन रहा। शायद सही वक्त पे मिट्टी को जैविक पदार्थ से भर देते तो आज हमारी खेती को रेती बनते ना देखते। आज भी मेरे देश की धरती उगलती रहती हीरे मोती, और ये भूखमरी मेरे बच्चों का खून न जलाती। स्वस्थ मिट्टी से ही उगती थी हरी भरी घास, घास रोकती थी बारिश का पानी, उसी से बुझती थी हम सब की प्यास। नहीं बची थी मिट्टी और घास तो नहीं रुका बारिश का पानी, सूखी धरती के साथ सूख गई थी शीला की जवानी। खत्म हो गई थी मिट्टी, नहीं बह रहा था एक भी नाला, धरती गुस्से से बोली देखती हूं कैसे पुष्पा अब झुकता नहीं साला। भविष्य का नजारा देख मनदीप गिड़गिड़ा के रोई, योगी की कृपा से वो वापस वर्तमान में आई। योगी बोले बेटा आज से करना बस एक ही कर्म, समझो मिट्टी को माता और उसे बचाना ही तुम्हारा धर्म। स्वस्थ मिट्टी के बिना उजड़ जाएंगे ये गुलिस्तान, सभी मिलके इसे बचाएं हिंदू हो या मुसलमान।
निश्चय से उठी मनदीप, मन में लिया ठान, पहुंचूंगी हर एक व्यक्ति तक जब तक शरीर में है जान। क्या आप भी जानते हैं ऐसे किसी मनदीप को जिसे मिट्टी की नहीं थी कोई फिक्र? अगर हाँ तो यही सही वक्त है, करो उनका जिक्र। आओ करें मिट्टी को जैविक पदार्थ से समृद्ध करने का काम, स्वस्थ मिट्टी से ही बनी रहेगी हम सब की शान। माटी से आए हैं हम, माटी में जाना है, कहीं भूल ना हो जाए मुड़ के क्यों पछताना है। सब मिला है इस माटी से, माँ तुझको बचाना है, कहीं देर ना हो जाए डर लगता ये अनजाना है। जीवन की खुशबू तो माँ इस माटी से मिलती है, जीना और मरना तो माँ माटी ही है। जीवन की खुशबू तो माँ इस माटी से मिलती है, जीना और मरना तो माँ माटी ही है। बाहरी दुनिया को चाहे कितना बढ़िया कह ले, अंदर तो माँ मैं तेरी माटी की ही गुड़िया हूँ। माटी से आए हैं, माटी में ही समाना है, कहीं देर ना हो जाए हमारी पीढ़ियों का ये खजाना है।